स्वागत है आप सभी मित्रों का नक्षत्रों की इस श्रृंखला में। मैं ये नक्षत्रों की श्रृंखला जो शुरू कर रहा हूं अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक, यहाँ डिटेल्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये बताने के पीछे उद्देश्य मेरा ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कम से कम आप लोग मेरे वीडियोस देखकर सीख लें। संपूर्ण नक्षत्र का डिटेल्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो नए छात्रों के लिए फायदेमंद रहे और वैदिक ज्योतिष का उन्हें कम से कम संपूर्ण ज्ञान मेरे वीडियोस से मिल जाए। मैं नक्षत्रों के बाद राशियां और राशियों के साथ ही ग्रहों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन यहां करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र, जैसा कि हमारा जोड़िया 360 डिग्री में समेटा हुआ है, यानी 360 डिग्री को अगर आप 12 भाग करेंगे तो 30 डिग्री का एक एक भाग पड़ेगा, यानी एक राशि को 30 डिग्री अंश मिलते हैं। उसी हिसाब से एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला का अंश मिलता है। अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक का भाग जो है अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसके नाम अश्वरोहित कुमारों के नाम से, यानी दो अश्वरोहित हिंदू वैदिक शास्त्रों में रखा गया है, जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहते हैं। इस नक्षत्र में दो तारे होते हैं। इस नक्षत्र का अधिदेवता, चूंकि दो अश्वरोहित पुरुष हैं जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है, ये इन कुमारों के जुड़वा बाहु होते हैं, जिन्हें सूर्य यानी सविता का वाहन माना जाता है। दूसरे मतानुसार इन दो कुमारों को देवताओं के चिकित्सक से भी संबोधित किया गया है। वेदों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब मात्र इसकी रचना करने वाला ही उत्पन्न हुआ तो इसको ध्येय और वस्तु के रूप में स्वयं ही अपना कर्तव्य निभाना था। इसके अनुसार ही इसके अपने दो चेहरे बनाए, जिसमें उसको एक विशेष समस्या का सामना करना पड़ा, यानी कि उनको कोई ठोस वस्तु दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड एक रिक्त शून्य मात्र था। तभी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए दो प्रकार के चेहरे निर्मित किए। अपने चारों ओर भी कई रूप की आकृतियां बनाई जो बाद में देव यानी देवता कहलाए। अश्विनी कुमार ने ही अपनी भुजाओं से अपने ही प्रतिबिंबों को उभार कर सृष्टि का निर्माण आरंभ किया, ऐसा शास्त्रों में बखान किया गया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अब भारतीय ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष के अनुसार गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र माना जाता है। घोड़े के सिर को अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र को घोड़े के बहुत से गुणों के साथ जोड़ता है यानी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए घोड़े को हम यात्रा का प्रतीक मानते हैं तथा यात्रा अपने आप में किसी भी प्रकार के आरंभ या शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए अधिकतर वैदिक ज्योतिष यह मानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का किसी न किसी प्रकार की यात्रा तथा किसी न किसी प्रकार की घटना के आरंभ से सीधा रिश्ता है, यानी शुरुआत, जिसे बिगिनिंग हम कह सकते हैं। इसी प्रकार घोड़ा अपने साहस, गति तथा शक्ति के लिए भी जाना जाता है तथा घोड़े के ये गुण अश्विनी नक्षत्र के जातकों में सामान्यता ही पाए जाते हैं। घोड़ा अपनी जिद तथा अड़ियल स्वभाव के लिए भी जाना जाता है तथा घोड़े का यह गुण भी अश्विनी नक्षत्र के माध्यम से व्यवहार में आता है, जिसके चलते अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सामान्यतः जिद्दी अथवा अड़ियल स्वभाव के होते हैं तथा इनसे काम निकलवाना कभी कभी उसी प्रकार से मुश्किल हो जाता है जिस प्रकार किसी अड़ियल घोड़े को
साधकर उस पर सवारी करना। इसे आप थोड़ा सा रिट्रोग्रेड इफेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। ये रिट्रो जो होते हैं प्लैनेट्स या रिट्रो जो नक्षत्र जो जिनके लॉर्ड रिट्रो रहते हैं, इसमें राहु केतु को तब जोड़ ही सकते हैं, तो ये फलाफल यहाँ बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नजर आता है। वैसे अश्विनी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही विलक्षण नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के जातक बहुत ही विलक्षण गुणों के स्वामी भी होते हैं। कुंडली में स्थिति अच्छी होने के कारण ये कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो काम हर किसी के बस के नहीं होते। हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्विनी कुमारों को अश्विनी नक्षत्र का देवता माना जाता है। अश्विनी कुमारों को सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता है। सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य देव को धनंतरी भी कहा जाता है। सूर्य को स्वास्थ्य लाभ का मुख्य ग्रह हम कहते हैं। तो वैदिक और शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार जो है चिकित्सा के संपूर्ण ज्ञाता है। चिकित्सा शास्त्र से इनका गहरा संबंध है, जिसके चलते इन्होंने हमारे शास्त्र मतानुसार च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से मुक्त करके उन्हें पुनः युवा बना दिया था। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से अश्विनी कुमार जो है स्वभाव से उदार, यानी इसे आप यूं समझें कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक स्वभाव से उदार, दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहने वाले और घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातकों की एक विशेषता ये भी है कि मध्यम आकार है इनका और नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों को जो विशेषताएं बताई गई है वो इनमें जरूर पाई जाती है। अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो केतु होता है। ये ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाले सभी जातक जानते हैं। और केतु की चरित्र की विशेषताएं अश्विनी नक्षत्र में जरूर मिलती हैं। ऐसे जातक त्यागी किस्म के होते हैं। ये जातक जो है परमार्थ में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले भी होते हैं। इस कारण से भी अश्विनी नक्षत्र में, यानी केतु के अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, आत्मा जो है एकदम निर्मल उच्चता को प्राप्त होती है। इस वजह से भी ये भी एक कारण है। केतु को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चिकित्सा से भी जोड़ा गया है, चिकित्सा से भी उसका गहरा नाता है। इसे आप यूं समझिए कि केतु चीर फाड़ का, उज्जवत केतु, मंगल और केतु मुख्य चीर फाड़ का कारक होते हैं। जो सर्जन होते हैं उनका मंगल और केतु से गहरा संबंध बनता है, गहरा नाता उनका होता है। यहाँ ये भी चीज ध्यान देने योग्य है कि अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण है वो मेष राशि में ही होते हैं, इसलिए केतु में मंगल का जो नेचर है यहाँ ऑटोमेटिकली आता है। उज्जवत केतु के अगर हम अलग कर दें तो, जैसे कि केतु सूर्य के राशि में, सिंह राशि में होगा तो सूर्य का गुण वो अडॉप्ट करेगा और धनु राशि में वो गुरु का गुण अडॉप्ट करता है, उसी प्रकार केतु यहाँ मंगल के गुण को अडॉप्ट करता है। और केतु के चारों चरण यानी अश्विनी के चारों चरण 13 डिग्री 20 कला तक मेष राशि में ही पाए जाते हैं। मंगल के प्रभाव की वजह से अश्विनी नक्षत्र के जातक साहस और शौर्य दिखलाने वाले होते हैं। मेष राशि का जो अग्नि तत्व है वो भी अश्विनी नक्षत्र के जातकों को तेजी प्रदान करने में सहायक होता है और तेज गति से वो काम करने वाले होते हैं। जातक ऊर्जावान होते हैं, उनमें ऊर्जा दूसरे जातकों के बनिबस्त ज्यादा होती है। विभिन्न प्रकार की शक्तियों के प्रभाव में आने के फलस्वरूप अश्विनी के जातक शक्तियों की विशेषता का मिश्रित रूप प्रदर्शित करते हैं, जिसके चलते नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों में विशेषताएं पाई जाती हैं जो बताई गई हैं। अश्विनी के जातक किसी भी काम को काफी शीघ्रता से प्रारंभ कर देने में तो विश्वास करते हैं, लेकिन वो उसको संपूर्ण नहीं करते कभी कभी। ये इनमें एक आप कमी या कमजोरी समझ सकते हैं। ये किसी भी काम को स्टार्ट करने के या आरंभ करने के पहले उसको इंतजार करना इन्हें पसंद नहीं होता और समय व्यर्थ गवाना पसंद नहीं करते। गति और स्पष्ट बाधिता अश्विनी नक्षत्र के जातकों की मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। अपनी तेज गति से नया कार्य करने की विशेषता के कारण अश्विनी नक्षत्र के जातक कई प्रकार के व्यवसाय करने में और नए आविष्कार करने में वो अग्रणी होते हैं।
नई खोजे या किसी भी प्रकार का नया डिस्कवरी यानी कोई नया आविष्कार लोगों के सामने ले आना, ये अश्विनी नक्षत्र के जातकों का मुख्य काम भी कहा जा सकता है। और ये जातक स्पष्टवादी होते हैं, बिना किसी प्रकार की भूमिका बांधे ये अपनी बात को रख देते हैं सामने और फिर बाद में उसका भले ही पछतावा करते रहें। इस नक्षत्र के जातक शीघ्रता से काम करने की वजह से, जल्दी से काम निपटाने की वजह से अपने कामों में हानि भी उठाते हैं, और लेकिन दूसरे जातकों की तुलना से ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं और तथ्यों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। किसी भी काम को काफी शीघ्रता से कर लेने की क्षमता भी इनके अंदर पाई जाती है। कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के जातक आमतौर पर आयु से कम दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल जो है एनर्जेटिक प्लैनेट है और मंगल जो है उसकी आयु जो है यंग कहलाती है, यानी मंगल जो है यंग प्लैनेट कहलाता है। उसका असर इस अश्विनी नक्षत्र के जातकों पे बिल्कुल पाया जाता है। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार जो है चिर युवा रहने वाले देवता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, च्यवन ऋषि को उन्होंने वृद्ध से फिर जवान बना दिया, तो नेचुरली अश्विनी नक्षत्र के जातक दूसरे नक्षत्र में जन्मे जातकों के पनिवस्त ज्यादा जवान और यंग लगते हैं। ये स्वभाव इनका आपको देखने को मिलता है। व्यक्तित्व इनका मोहक व आकर्षक होता है तथा अश्विनी नक्षत्र के जातक रोमांच से भरपूर खेलों में हिस्सा लेने में भी अग्रणी पाए जाते हैं और उनमें वो सफल भी रहते हैं। खतरों से खेलने का शौक अश्विनी नक्षत्र के जातकों को होता है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वो अक्सर तैयार मिलते हैं आपको। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक हैं तो निश्चित तौर पे ये बातें आपको चार्ज कर रही होंगी, आपको आपके अंदर के हौसले को निश्चित तौर पे बढ़ा रही। खतरों से खेलने की आदत की वजह से ये अक्सर अपने आप को मुश्किलों में घिरा हुआ भी पाते हैं और इनके अंदर धैर्य की कमी भी आपको अक्सर मिलेगी। अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातकों के अंदर धैर्य की कमी भी होती है और उतावलापन इनके अंदर आपको अक्सर दिखाई देता है। एक कमी अश्विनी नक्षत्र के जातकों के अंदर ये भी है कि अपनी आदत की वजह से, जिद वाली या अड़ियलपंती वाली आदत की वजह से जीवन में कई बार नुकसान उठा लेने की वजह से भी, यानी कि नुकसान उठा लेने के बावजूद भी अपने शुभ चिंतकों की सलाह नहीं मानते, हानि उठाते हैं लेकिन बार बार हानि उठाने के बावजूद अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते और स्वभाव की जो कमियां हैं अपने अंदर उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे जातक अगर अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाने में अगर सक्षम हो तो दूसरे जातकों की तुलना में जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का वर्ण जो है वैश्य माना जाता है और गण अश्विनी नक्षत्र का जो है वो देवगण माना जाता है, और केतु के यानी अश्विनी नक्षत्र को सात्विक गुण वाला नक्षत्र भी मानते हैं। अश्विनी नक्षत्र का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वो यहीं तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र को लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए।